नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 5 जुलाई। सबसे पहले अगर पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने अच्छी खासी मोमेंटम बनते हुए देखी। हमने देखा कॉटन के प्राइजेस के अंदर आधे से ज्यादा परसेंट की तेजी आई शॉर्ट कवरिंग के चलते। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो वहां पे हमने 2% के करीब की तेजी बनते हुए देखी, अगेन शॉर्ट कवरिंग के चलते। कपास में भी मिला जुला ट्रेड था बट 1.5% से ज्यादा की तेजी थी, जहां पे हमने एक चीज देखी कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू कॉटन सीड। या कॉटन की अगर हम बात करें फ्रेश बाइंग कंटिन्यू बनते हुए दिखाई दी है और टेक्निकली भी हमने देखा 1300 के ऊपर प्राइजेस वैसे भी काफी स्ट्रांग होता है। तो हमने ये हफ्ते में करीबन 1327 का हाई लगाते हुए देखा। डॉलर क्लोजिंग 1295 के बीच में हुई है बट कहीं ना कहीं फंडामेंटल काफी मजबूत है जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम शुक्रवार के सेशन की बात करें तो कॉटन मिला जुला ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। वही कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी हमने मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा है मार्केट के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल में हमने जो तेजी देखी है वो अब कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट को और सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। थोड़ा बहुत हमने देखा था कि प्राइजेस में जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो यूएसडी की रिपोर्ट में जो आ चुका था उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमने प्राइजेस में आते हुए जहाँ पे बताया था कि बिगर ड्रॉप बता रहा है प्लांटेड एरियाज के अंदर, जिसकी वजह से प्राइजेस आने वाले दिनों में और तेजी कर सकती है। साथ में कॉटन क्रॉप अगर बठिंडा और मनसा की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ अपडेट आया है कि पिंक बॉल वॉर्म का अटैक हुआ है, ये दूसरी साल है जिसकी वजह से भी एकरेज के अंदर ड्रॉप आ सकता है, डैमेजेस रिपोर्ट हो सकती है। इनफैक्ट CAI ने भी जो डिमांड फॉर विड्रॉल इज 10% कस्टम ड्यूटी बताया है इम्पोर्ट के ऊपर। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप रहेगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अगर हम देखें तो वैसे भी इंडिया अब नेट एक्सपोर्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से चाइना कंटिन्यू बाइंग बढ़ा रहा है। नो डाउट कोविड का जो कंसर्न है उसकी वजह से डिमांड इतनी ज़्यादा पिकअप नहीं हो पा रही है, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। टाइट सप्लाई सिचुएशन को देखते हुए कॉटन सीड ऑयल केक में भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। बट हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि 2950 के ऊपर जुलाई वाई तक जा नहीं पा रहा है। अगर 2950 का लेवल जब तक मार्केट तोड़ता नहीं है, 2800 से लेकर 2950 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इन ऑल बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी अपना के चलनी चाहिए। अगर हम चार्ट के लिए अगर बात करें तो कॉटन जुलाई वायदे की अगर बात करते हैं तो प्राइजेस भी एक सीमित दायरे में 100% ऑफ रिट्रेसमेंट मतलब 24,630 के ऊपर मेंटेन है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि 25,200 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। टेक्निकल इंडिकेटर सभी पॉजिटिव है तो बाय ऑन ड्रॉप कॉटन के अंदर लेके चलिए। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो प्राइजेस ने 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके उठा जरूर है बट 2900 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है। हमने शुक्रवार के सेशन में भी एक बड़ा फॉल देखा बट कोशिश की वापस रिकवर करके 2850 के ऊपर क्लोज करना। तो एज ऑफ नाउ 2850-2840 का जो रेंज है वो काफी अच्छा रेंज है, यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए। इमीडिएट हर्डल जो रहेगा 2950 से ऊपर लेवल रहना चाहिए, जब तक टेक्निकली 2700 के ऊपर मेंटेन है जो 200 डे मूविंग एवरेज है, काउंटर बाय ऑन ड्रॉप का ही रहना चाहिए। वहीं आइस कॉटन की भी अगर बात करें तो इंटरनेशनल में यूएसडी की रिपोर्ट के बाद हमने आइस कॉटन के अंदर अच्छी खासी तेजी बनती हुई देखी है। प्राइजेस फिर से 250 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट को क्रिएट करता हुआ दिखाता है। तो टेक्निकली भी काउंटर स्ट्रांग है, जो कहीं ना कहीं 87.50 से 88 सेंट तक का भी लेवल जल आता हुआ दिखा सकता है। तो बिल्कुल कॉटन कॉम्प्लेक्स में लेके चलिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।